और सार छपेरवा गांव के यज्ञ में कथा वाचक वीना मिश्रा ने कहा कि आज समाज में इतनी कुरीतियां बढ़ गई है कि हर व्यक्ति दुखी है। इसका कारण है कि हम दूसरों की बुराइयों को देखते हैं पर अपनी कमी हमें नजर नहीं आती। यदि आप चाहते हैं कि हमारा समाज सुखी हो, राज्य सुखी हो और देश सुखी हो तो इसकी शुरुआत हम सबसे पहले अपने घर और अपने आप से करना चाहिए। जब हमारा घर सुखी होगा, प्रभु राम के पद चिन्हों पर चलना होगा, तभी हम सुंदर राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। मानवतापूर्ण जीवन सुखी के जीवन के आधार पर उक्त बातें वाचक मीना शर्मा ने मिश्रा ने कही। कि किस प्रकार से जो बातें कही जा रही है वो सच है, तो सभी कथा सुन चुके हैं लेकिन इतनी कथाओं सुनने के पहले मंदिर बनाए बजरंग बली का, विश्वकर्मा भगवान का, उसी का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए हम लोग 9 दिन के लिए महायज्ञ किए यहाँ साढ़ छपरवा ग्राम का, जो है सो मने शांति सुखी रहे और जो है सो मने सब भाईचारगी से अपना जो है सो 9 दिन का यज्ञ जो है सो संपन्न करे। इस यज्ञ में कितने गांव से आए हुए थे क्या? इस यज्ञ में हमको लगता है बड़का गांव से हर जगह का आदमी जो है सो 23 बड़का गांव प्रखंड से, हाँ 2300 पंचायत से आदमी जो है सो इस पर, हाँ 9 दिन का यज्ञ में क्या कुछ इसमें सफल देखने को मिला पहले से के अपेक्षा में? बड़का गांव में जो यज्ञ जितना भी हुआ उसमें सबसे मने ज़्यादा संख्या में कलश यात्रा 5000 का जो है सो मने भीड़ में कलश यात्रा में गए थे और मने सबसे मने बड़ा यज्ञ यहाँ का पूजा संपन्न हुआ। ताकि बड़का गांव क्षेत्र में शांतिपूर्ण, हाँ शांतिपूर्ण बने रहे। अभी क्या फायदा हुआ आपका यज्ञ कराने से, क्या क्या फायदा हुआ? यज्ञ समिति का अध्यक्ष मैं हरिशंकर प्रसाद, मंदिर बनाए बजरंग बली का, विश्वकर्मा